क्लास 12th पीजी बाय सेंटर कॉलेज द सॉन्ग ऑफ द फ्री यानी स्वतंत्रता का गीत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है बोर्ड में 100% स्ट्राइक करेगी याद रखना 100% स्ट्राइक करेगी है चाहे सेंट्रल आइडिया आए चाहे एक्सप्लेनेशन आए एनीथिंग एल्स विल डेफिनेटली स्ट्राइक इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ 2020 इज दैट क्लियर यस क्या कहता है द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री हैज बीन कंपोज बाय ग्रेट इंडियन पोएट स्वामी विवेकानंद हम जानते हैं विवेकानंद जी को उनके थॉट्स की वजह से व्हेनेवर वी नीड सम थॉट्स हम क्या करते हैं कि हम टाइप करते हैं गूगल पे थॉट्स ऑफ विवेकानंद तो वी कम टू नो अबाउट द इंस्पिरेशनल थिंग्स तो यहाँ पर भी उन्होंने एक इंस्पिरेशनल पोएम बताई है दैट इज सॉन्ग ऑफ द फ्री स्वतंत्रता का गीत द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है क्या है इज दैट ही हैज फेथ इन डिवाइन कैरेक्टर वो दैवीय पात्र में विश्वास रखते हैं देवताओं जैसा पात्र यानी कि हमारा आपका पात्र साफ सुथरा होना चाहिए कैरेक्टर साफ सुथरा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ह्यूमन के हिसाब से ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग उनके हिसाब से हमारा जो जीवन है ह्यूमन लाइफ मानवीय जीवन है इज फुल ऑफ सफरिंग कष्टों से भरा है पेन दर्द से भरा है एंड डिफिकल्टीज मुश्किलों से भरा है परेशानियों से भरा है येट वी शुड नॉट डिसहार्टेंड तब भी हमें अपना दिल नहीं तोड़ना चाहिए कि आज तो बड़ी परेशानी है आज मैंने कोई काम शुरू किया पर वो चल नहीं रहा शट डाउन आज तो क्या होता उसके बाद द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चैलेंजेस चैलेंजेस हैं राइट एंड ऑब्स्टेकल्स परेशानियां हैं ऑब्स्टेकल्स का मतलब बाधाएं होती है चैलेंजेस का मतलब चुनौतियां होती हैं डेफिनेटली हैं आपकी स्टडीज में भी हैं राइट बट वी शुड हैव फेथ इन द गॉड विश्वास रखो ईश्वर पे उन्होंने कहा है द हुड ऑफ गॉड अब व्हाट डू यू मीन बाय हुड हुड क्या होती है हम सर्दियों में हुड पहनते ना राइट या फिर आपने देखा हो कि जो नाग होता है वो अपना फन ऐसे लहराता है लाइक दैट इज जस्ट लाइक आशीर्वाद हुड का मतलब आशीर्वाद है ऑफ द गॉड द हुड ऑफ गॉड शुड बी अवर रियल एम भगवान का आशीर्वाद लेना हमारा एक रियल एम होना चाहिए वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए ऑफ लाइफ जीवन में इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस उन्नति प्राप्त करने के लिए अगर हमारे पास भगवान का आशीर्वाद नहीं है हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लोरिश नहीं होने वाला है छोटा सा बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो सकता है छोटी सी नौकरी में बहुत प्रोग्रेस मिल सकती है इफ़ वी हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव आर द पार्ट ऑफ लाइफ जीवन के पार्ट है ना उसके बाद सो वी शुड हैव फेथ इन गॉड इसलिए मैं भगवान पे विश्वास होना चाहिए द पोएम विल स्ट्राइक इन एग्जामिनेशन 100% थैंक यू सो मच